सीतापुर में भैंस चोरी करते हुए ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर एक पेड़ से जंजीरों से जकड़कर तालिबानी हुकूमत की तरह ही सजा दी। सारे नियम कानून ताक पर रखकर युवक की बड़ी बेरहमी से करते रहे पिटाई। चोर की पिटाई का लाइव वीडियो हुआ वायरल। वहीं जब इस बारे में थाना अध्यक्ष रामकोट से बात की गई तो थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है कि चोर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं पूरा मामला सीतापुर जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र मधवापुर गांव का है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कहा हम चोर हन। हाँ चोर बोलो चोर हो तेज बोलो भैंसी कहाँ कहाँ खोल ले हो? बहुत जगह खोल ले अन्नू खुलवाते हैं अन्नू खुलवाते तो बताओ अन्नू क्या पता नहीं बता सकते पहचान डाला हुआ खड़ा हुआ भैंसी उधर चली जाए तो कहाँ तुम फोन करियो हाथ खोल दो बेटा हाथ खोल जैसे जैसे डाला उधर खड़ा हुआ अब भैंसे इधर चले जाए तो कैसे तुम फोन करियो कैसे बोले हमको का मालूम तो उनका का पता उनका रे कैसे मालूम तू कहां कौन गांव भैंसे खोले है फोन विनोद सोनी की रिपोर्ट सीतापुर। पीलीभीत जिले के विकासखंड मरौरी के गांव में अचानक अज्ञात कारणों के चलते नबदिया भिलैया में मानपाल गंगावार के घर में आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आग में चार जानवर और एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भागीरथ की रिपोर्ट पीलीभीत। भगवान बुद्ध के संदेश हमें प्रेम भ्रातृत्व त्याग विनम्रता और चित्त की परिशुद्धता का प्रेरणा देते हैं। सामाजिक समानता सद्भावना अनुभव परक बौद्धता मधुर वचन अहिंसा सत्य आदि भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन के सारे तत्व है जिनका अनुसरण मानवता के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। यह बात साहित्य सृजन मंच बिस्वा द्वारा शंकरपुर देवकलिया में आयोजित महात्मा बुद्ध जन्मोत्सव पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हरीश चंद्र गुप्त ने कहा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मधुर टिप्स के प्रबंधक कुलदीप सिंह यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिव कुमार खेतान उपस्थित रहे। समारोह का सफल संचालन राम कुमार सूरत ने कुशलता पूर्वक किया। वहीं कार्यक्रम में हीरालाल यादव जगदीश सिंह हवलदार सूरत बख्श देवेंद्र अवनीश आशीष सिंह मुदित उदित अंकित राम सिंह रामपाल आदि लोग उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्रिवेदी की रिपोर्ट सीतापुर। पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थानों द्वारा नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर की जा रही है। कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 19 मई 2019 को थाना ईसा नगर द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त इरफान पुत्र हबीबुल्ला को 5 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनमोल अवस्थी की रिपोर्ट लखीमपुर खीरी।